राजस्थान में बनने वाली रेसिपीज़ की सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और वो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे भड़वा मिर्ची की सब्जी, जो बहुत आसान है बनाना। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली आपके घर पे अवेलेबल होंगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिससे कि आपको आसानी रहेगा इसे फॉलो करने में। इसे बनाने के बाद आप इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें 100 ग्राम मोटी वाली मिर्ची चाहिए, जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप चाहे तो लंबे शेप वाली मिर्ची भी ले सकते हैं। ये मिर्चियाँ थोड़ी कम तीखी होती हैं। इन्हें आप पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से मिर्चियों को तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इनके अंदर जो सीड है, बीज है, उन्हें हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए इसमें एक कट लगाएंगे इस तरह से। तो शार्प नाइफ है आपके पास तो ईजिली हो जाएगा। थोड़े ध्यान से लगाइएगा। ये देखिए, इस तरह से कट लगाने के बाद इसके मुंह को इस तरह से खोल लेंगे। और आप चाहें तो नाइफ से भी ये काम कर सकते हैं, या फिर आप स्पून से भी इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। स्पून के पिछले साइड से आप इस तरह से प्रेस करते हुए निकालेंगे तो ये ईजिली निकल आता है। ये देखिए, और इन मिर्चियों की स्किन काफ़ी मोटी होती है, तो बीच से इसे फटने की भी चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से सारी मिर्चियों को हम तैयार कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर बीज रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इजीली कट लगाएंगे और स्पून से इजीली इसे निकाल दीजिए इस तरह से। आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो बहुत ईजिली ये निकल आते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्चियों को इसी तरह से काट के सीडलेस कर लेना है। ये देखिए, पूरी तरह से होल हो गया है इसमें। तो ये लास्ट मिर्ची बच गई है। तो यहाँ पे मिर्चियों को हमने तैयार कर लिया है। अब स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में ऐड किया मैंने 1/2 कप बेसन, और इसके साथ ही सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच के करीब। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है। आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड किया है 1/2 छोटी चम्मच सौंफ। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पे ऐड कीजिए स्वाद के अनुसार नमक। मैंने 1 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। अब डालेंगे इसमें हम तेल, जिससे अच्छी तरह से मसाला बाइंड हो जाए। तो आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। 1 से 2 चम्मच तेल इसमें ऐड हो जाएगा। बेसिकली आप इतना तेल डालिए कि अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए। अब इन्हें हाथों से रब करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। तो जब हम इन्हें मिर्चियों में भरेंगे और फ्राई करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए तेल की क्वांटिटी सही होनी चाहिए। अब इन्हें हम स्टफ़ कर लेंगे मिर्चियों के अंदर। तो जितना स्टफिंग आप इसमें भर सकते हैं उतना ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा प्रेस करते हुए डालिए तो 1 से 1.5 टीस्पून तक इसमें स्टफिंग आ जाता है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा दबाते हुए मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। और पीछे के पोर्शन को इस तरह से हम भर लेंगे, वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसे दबाते हुए हम भर लेंगे। और इस स्टेज पे आप मिर्चियों में स्टफिंग भर के इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपने खाना हो तब भी आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मैंने स्टफिंग भर दी है और ये पहली मिर्ची तैयार हो गई। तो इसी तरह से हम बाकी की मिर्चियों में भी स्टफिंग भर देंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सारी मिर्चियों को तैयार कर लिया है। अब बाकी के बचे हुए स्टफिंग में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली पाउडर। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और इसे साइड में रख लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसे दरदरा कूट लिया है, तो यहाँ पे मिला लिया है, इसे साइड कर देते हैं। अब हम मिर्चियों को भुनना शुरू करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऐड किया है 4 टेबलस्पून तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी इसमें। तो यहाँ पे भी मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कोई भी रेगुलर ऑयल जो आपको पसंद हो
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच कलौंजी या फिर मंगरेल। अब डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन और इन्हें अच्छी तरह से भून लीजिए इनके चटकने तक। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखिए। तो यहाँ पे मसाले के भुनने के बाद ही हम इसमें मिर्चियों को ऐड कर देंगे जिसे हमने स्टफ़ करके रखा था। और अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके ही इसे भूनना है। तो यहाँ पे एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा और अब हमें इसे कवर कर देना है। कवर करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कवर कर दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इन्हें फ्लिप कर लेंगे तो पीछे की साइड आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं और इनका स्किन देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसे फ्राई कर लेना है। तो इस प्रोसेस में आपको कम से कम 10 मिनट का समय लग जाएगा। और अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर जो हमने स्टफिंग भरी है जिसमें बेसन है वो भी धीरे धीरे अच्छी तरह से भुन जाता है। तो इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम भी ना करें, इसे लो फ्लेम पे ही भुने। तो यहाँ पे देखिए फिर से कवर किया है मैंने फ्लिप करने के बाद। और अब साइड्स में जो थोड़ा सा ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा होगा उसे भी हम थोड़ा सा घुमाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मूव करते हुए फ्राई कर लेंगे। और अभी भी गैस का फ्लेम हमारा लो है। तो जैसे ही मिर्ची चारों तरफ से फ्राई हो जाए तो हमने जो मसाला रखा था पीनट पाउडर के साथ वो इसमें हम ऐड कर देंगे और जस्ट इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लीजिए। आप देखेंगे इसमें अचानक से झाग आने लगेगा क्योंकि बेसन भुनने लगता है तेल में, तो बहुत ज़्यादा भुनने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत भुन जाएगा। और पीनट पाउडर हमने पहले से रोस्ट करके रखा था तो बहुत ज़्यादा इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है बेसन का, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और मिर्ची के अंदर जो हमने स्टफिंग भरी है वो पहले से पक चुकी है। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे सर्व कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। हमने जो स्टफिंग भरी है वो पूरी तरह से इसके अंदर ही है। तो इसके लिए जब आप मसाला तैयार करें स्टफिंग के लिए तो उसमें तेल की क्वांटिटी सही रखिए। इतना तेल डालिए कि अच्छी तरह से मसाला बाइंड हो जाए। और बाहर से देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये लंच बॉक्सेस के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो रेसिपी को बनाइए, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।